यो व्हाट इज अप गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी जो है अपन जिम होके आ चुका है। मम्मी मम्मी कुछ पिलाओ, मम्मी कुछ जल्दी खिलाओ पिलाओ, मम्मी जल्दी से कुछ दो। ये तो क्या है, ये छाछ। तो सुबह सुबह मम्मी जो है छाछ पिलाती है और वो नीचे गिर गई है। आप सैर हुआ है? हम सैर हुआ है, आज छाछ भी पी। आज की सैर का कोई बढ़िया एक्सपीरियंस बताओ ना। आपके साथ तो आजकल रोज ही कोई ना कोई एक्सपीरियंस होता है। हाँ, हम जैसे ही एंटर करें छोटे छोटे बच्चे ऐसे पीछे भाग रहे हैं हमारे, आंटी आंटी आंटी, और देख रहे हैं एक दूसरे के पास फोन है फोन है फोन है, फोन निकाल के कह रहे फोटो खिंचवानी है, और आगे कोई आ ही नहीं रहा। सब ऐसे शर्मा रहे, पता नहीं क्या मतलब। आंटी फोटो खिंचवानी है वो, बट की आप ही दो। एक जना बोले तू जा, दूसरा बोले तू जा करते करते आधा घंटा लगा गया। मैंने कहा भाई मैं तो जा रही हूँ सैर करने, तुम अपना जो मर्जी करते रहो। पिंपल्स किचन हमारी फेमस फेमस। याद आया जिम में ना, पता क्या हुआ, एक अंकल जी आए, ठीक है, दूर से ऐसे मेरे को देख रहे, और मैंने ऐसे देखा कि ये मेरे को ऐसे घूर क्यों रहे हैं, तो मैं अपना एक्सरसाइज करने लग गया। वो पीछे से ऐसे चलते चलते आए और मेरे को यूं पकड़ के ऐसे ऐसे लेके गए, आप यूट्यूबर है ना? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे क्या नाम है आपका? मैंने अंकल ट्रिगर्ड इंसान। हाँ बिल्कुल ऐसे इतनी देर। हाँ ट्रिगर्ड इंसान, मेरे दोनों बेटे आपकी वीडियोस देखते हैं पूरे दिन। मैंने कहा ओके अंकल, और बहुत तेज बोल रहे थे तो मेरे को थोड़ा सा शर्म से आ रही थी। पापा अंकल जैसे हाई वॉल्यूम। मैंने फिर एक दिन से ना उनके साथ कोई आया हुआ था आदमी, उसका ऐसा कहता इसको पहचाना वगैरह नहीं, नहीं। मैंने कहा अंकल करा दी बेइज्जती। मैंने कहा अंकल नहीं पहचाना, आपके अलावा कोई नहीं पहचानता। नहीं नहीं ये यूट्यूबर है, इनके बहुत सारे सब्सक्राइबर है। मैंने कहा हाँ अंकल, बट ये चीज थोड़ा धीरे बोल रहा था, बहुत ही जोर जोर से बोल रहे थे। मैं फिर जिम से सेकंड फ्लोर से उतर के दूसरे फ्लोर पे चला गया। मैंने कहा संकेत भाई चल यार, ये तो ऐसे सबके सामने बोल रहे, शर्म आ रही है मेरे को। तो इसमें शर्माने की क्या बात थी, इतनी दुनिया तेरे को जानती है। बट अपना थोड़ा सा है ना ऐसा, कोई मेरे को बाहर बोल देता है कि आप वो ट्रिगर्ड इंसान हो ना, मैं नहीं, मैं न्यू, सॉरी मैं न्यू। हां प्राउड टू बी, नहीं मतलब अपने को तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने को तो भाई देखो, हम थोड़े से इंट्रोवर्टेड है थे रहेंगे, अपने को तो शर्म आती है, हम तो ऐसे ही है। खाने में क्या बना रहे हो ये बताओ। फिलहाल तो सिर्फ दूध बन रहा है, दूध ही बॉइल हुआ है। और ये तो पापा जी की चाय होगी, चाय पी ली उन्होंने। ये तो मेरे ख्याल से जब भी आप किचन में आओगे तो आपको ये जरूर दिखेगा। पहले चाय, लोगों के लिए पानी होता है उनके लिए चाय है, वो चाय पीते हैं, वो पानी नहीं मांगते, वो कहते हैं चाय पिला दो, चाय पीते, पानी की जगह उनको चाय चाहिए, आधे घंटे हर आधे घंटे में चाय चाय। फ्रूट काट दिए मैंने, लेकिन ये जो है ना ये फ्रूट भी नहीं खाता यार। मम्मी फ्रूट भी ना, इतना फ्रूट खिला देंगी उसके, खाना खिला देंगी उसके। One eternity later. और फिर उसके बाद बोलेंगी तुम तो कुछ काटे ही नहीं हो, मोटा कर दिया है। हो गया, पापा जी बुला रहे हो। मम्मी से सही कर रहे हैं, पानी पीना बेटा। मम्मी पापा को अब चाय नहीं, सच में पानी पीना है, सच में। कौन सी वसीयत पे साइन करवाने हैं मेरे से? ओहो कहाँ साइन करवाने वाली आप? तेरे डैडी ने ना एक बॉम्बे की कोठी मेरे नाम देती थी और एक कार के स्टूडियो मेरे नाम करता थी। अच्छा मेरे को तो आज ही पता चला। तो इनके पापा कपूर साहब थे और ये तो खन्ना थी। वो कपूर खन्ना एक ही है, खन्ना हमें, कपूर हमारी बुआ है। अच्छा ऐसा है, क्या बात है, हमें नहीं पता था। बुआ ने से गोद लिया हुआ था। एक बात बताओ, आपके नाम करा था स्टूडियो तो फिर उसमें मेरे साइन की क्या जरूरत? तेरे नाम करा हुआ है। अभी आपने बोला है उन्होंने लिखा था कि जब तू 55 साल की हो जाएगी ना इनके ना इनके मेरे नाम है बस। ठीक है अब आप दोनों लड़ना बंद कर दो, थैंक यू। माता जी यहाँ पे लग गई हैं सुबह सुबह कपड़े सही करने, और उधर से डिंपल डिंपल आवाजें भी अब आती रहेंगी पूरे दिन, डिंपल डिंपल आवाजें। और मम्मी ये देखो मेरा नाक पे क्या हो गया, दाना भी है तो कोई छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा एकदम फोड़ा। ये उससे होगा, दवाई खाई ना जो मुझे लगा गर्मी से निकल। तो इसकी कोई दवाई दो ना। दवाई खाने से फुंसी हो गई है, इसलिए फिर से दवाई खाएंगे ताकि फुंसी ठीक हो जाए, फिर फुंसी कहीं और ही हो जाएगी। चाय सुबह से, मतलब अभी कितना टाइम हुआ है, दूसरी चाय है और पूरा दिन पड़ा है अभी। ये चाय पिला रही है कि मेरे अगेंस्ट सबूत इकट्ठे कर रही है? सबूत आज मैंने दिखाना है कि आप कितनी चाय पीते हो, मतलब बच्चे को बदनाम करेगी। हाय हाय मेरा छोटा बच्चा। 20 minutes later. अरे क्या तीसरी चाय? अरे
क्या तू YouTube शुरू कर दिया, हमारी तो जासूसी होने लगी है घर में। कह रहे हैं डॉक्टर पे लेके जा रहे हैं मेरे को, और कह रहे पहले फ्यूल डाल फिर लेके जाऊंगा। तो फ्यूल के बिना कभी गाड़ी चलती है? तो कितनी पियोगे यार। आज पार्क में ना इतने चक्कर आ रहे थे इनको, और अब चाय पे चाय पीते रहते हैं, तो ये इतनी गर्मी में इतनी चाय पियोगे तो चक्कर ही तो आएंगे। इतनी गर्मी में सैर करवाती, दौड़ लगवाती है, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। A few moments later. यार रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मलन साहब का फोन ना बजे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो आज इतनी कड़कती धूप में हम निकले हैं आई स्पेशलिस्ट को दिखाने। लास्ट टाइम हमें फेब में दिखाया था और डॉक्टर ने बताया था कि आपका ऑपरेशन होगा, कैटरेक है, और अपॉइंटमेंट हमने ले ली है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा रश है तो टाइम लगने वाला है। सबसे बड़ी बात ये कि मैं अभी उनको ब्रेकफास्ट भी नहीं करवा के आई। अभिषेक अभी सो रहा था, निश्चय ने अपना मिनी ब्रेकफास्ट करा और वो थक चुका था इसलिए वो दोबारा सो गया, तो जाके अभी खाना भी बनाना है। फाइनली डॉक्टर को हमने दिखा लिया और ऑपरेशन की डेट भी ले ली है। अब मेरे को ये कोसेगी नहीं कोसेगी नहीं, पता नहीं कितना कोसिया था मैं। लेकर ही जाते, मुझे डॉक्टर के नहीं दिखाते हैं, मेरी केयर नहीं करते हैं। बात तो है, केयर नहीं करते मेरी। चलो अब चलते हैं घर, और अभी खाना भी नहीं बनाया हमने, कुछ खाया नहीं, इनको सिर्फ चाय पिला के लाई हूँ मैं। Later. So guys, आज हमारे घर की लेडी डॉन डॉक्टर के पास से होके आई है। क्या हो गया आपकी आंखों में? मोतियाबिंद हो गया है? मोतियाबिंद, बिल्कुल अंधी हो गई हूँ मैं। कोई नहीं मम्मी, थोड़ा थोड़ा उम्र के साथ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की, सारे इलाज कराने हैं। कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं रहना चाहिए जो मेरा ना हो भाई। मैं जानवर को आजकल क्या होता है, मैं कहीं भी मम्मी को लेके जाता हूँ ना, कहीं भी वैसे कहते रहेंगे मेरे को घुमा घुमा घुमा, घर से बाहर लेके जाओ 15 मिनट भी नहीं गाड़ी चलती, और मम्मी का सर कहीं भी बताएंगे, वो सबको बताएंगे कहाँ लेके जाते हो। मेरा सर चक्कर आ रहा है, मुझे उल्टी आ रही है। मैंने कहा मम्मी बस आप घर बैठो, घर बैठना चालू करो। अब ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला? बस तैयार रहना अब तो, परसों ऑपरेशन 10 बजे मिशन आंखें नहीं आंखें। तो ये कैसा कैटरेक्ट का ऑपरेशन है जिसमें आंखें नहीं लग जाती है? पता नहीं भगवान, मेरी भी करवा दो ऑपरेशन, ऑपरेशन तुम करो, मेरा ऑपरेशन ठीक है। दिस इज ऑपरेशन, ऑपरेशन सेंटर। मैंने पूछा डॉक्टर से कि हमें चश्मा नहीं लगाना, हमें बिना चश्मे के ही ठीक है, तो वो कह रहा है उसका ऑपरेशन होता है अलग से। तो इस बार जब आपका ऑपरेशन कराने जाएंगे ना, तो उससे बात कर लेंगे, मेरा भी करा देंगे। आँखों में ना दर्द होता है आजकल, इसका मतलब क्या, इसकी रूटीन क्या है, 2 बजे उठता है और 4 बजे ये जिम चला जाता है, खाया पिया खिसके, वो वाला हाल हो रहा है इसका, मलन कूद खिसके, खाया पिया खिसके। This is time for body building. आज तो कल तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो इतनी भी क्या मेहनत, 4 बजे जाता है, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, 4 बजे आता, 6:30 तक जिम होता, उसके बाद फिर वेली वेली मार लेते दोस्त यार से घूम के, फिर 8-9 बजे घर। 4 बज गए, मलन साहब अपने सिंहासन से उठ के आ गए किचन में, क्योंकि चाय का टाइम हो गया। सुबह सुबह जिम से आके ऐसा सोया 6 बज गए। अब ये जिम से आके नहीं सोया, वो दवाई खा ली थी, उससे बहुत नींद दवाई, हाँ मैं समझ गई थी, मैंने कहा इसने आके दवाई खा ली है बस, अब ये बहुत नींद आई है, मेरे को उठा ही नहीं गया मैं। 6 बज गए अब, ना तो ये ब्रेकफास्ट का टाइम है और ना लंच का टाइम है। तो अभी मैंने क्या खाया है, इसीलिए उत्पम खिलाया मैंने। डिनर प्लस लंच को क्या कहते हैं? ड्रंच। अच्छा ड्रंच हो गया वो, ठीक। Later that night. आई देखो सुनो, तेरे पास PlayStation 4 पड़ी हुई है ना, ली हमने थी पर रखी तूने, तो अब PlayStation 5 वाई तो कौन रखेगा बताओ? मैं रिकॉर्ड करने लग गए हो, आंसर तो दो, थोड़ा हटो यार। पहले तो ये बता PlayStation 5 वाई कहाँ से? तो एक यूट्यूबर है केम शो, केम शो वो मेरे को बार बार कहते हैं केम शो केम शो, मैंने कहा केम शो, तो मैंने सब्सक्राइबर इवेंट करा हाइड एंड सीक, जिसमें बहुत सारा प्राइज मनी था, तो वो अभी आने वाली है, तो उसमें एक बंदे ने मुझे PS5 से सरप्राइज करा, तुझे दे दी। हाँ उसको बोलियो थैंक यू, सरप्राइज तुझे गया, ले मैंने ली, ट्रिगर्ड इंसान स्टोल फुकरा इंसान PS5। दिस इज चीटिंग, पता तो है ऑलरेडी, तो मेरा नाजायज फायदा उठाने वाली बात है यार। बड़ा भाई ये गिफ्ट कर दे। बात बताओ मम्मी, हमने PS4 ली थी आज से कितने साल पहले, कहाँ पड़ी हुई है वो? किसके कंप्यूटर टेबल पे, किसके स्टूडियो में? तो PlayStation 5 आई है, बेशक तुझे गिफ्ट मिली, पता है तो है ऑलरेडी, मेरी है, मैं लेकर जा रहा हूँ।